हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। केनरा बैंक पीओ 2018 आज का जो 23 दिसंबर का एग्जाम था वो दोनों स्लॉट का ओवर हो चुका है। जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं और जिनका पेपर एवरेज से अबव हुआ है, उन सबको ये रहता है कि अब ये रिजल्ट कब आएगा। ये क्यूरियोसिटी डेफिनेटली रहती है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस रिजल्ट का अगर अपने देखें, जो इनका मार्च में एग्जाम हुआ है, मार्च में जो एग्जाम 4th मार्च को आपका एग्जाम हुआ और 4th मार्च का जो रिजल्ट आया वो 22nd मार्च को रिजल्ट आया, तो 17-18 दिन बाद में इन्होंने रिजल्ट दिया। और दूसरे भी अपने देखते हैं कि 2-3 वीक के बीच में रिजल्ट्स जनरली डिक्लेयर होते हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो उसके हिसाब से आज जब 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ है तो आप एक्सपेक्ट करें कि 10 जनवरी 2019, तो 10 जनवरी 2019 तक के इस रिजल्ट की आप उम्मीद रखें कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। 10 को आ जाए, 11 को आ जाए, 9 को आ जाए, करीब करीब 10 के आसपास ये रिजल्ट आपका आना चाहिए। और जो भी बच्चे जिनका भी एवरेज से अबव पेपर हुआ है, गुड अटेम्प्ट अपने 130 के अराउंड गुड अटेम्प्ट मान रहे हैं, तो जिनके भी जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली रिलैक्सेशन है ही उसमें। तो जिनका भी ठीक पेपर हुआ, एवरेज है, अबव हुआ है, तो उन सभी बच्चों को जीडी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। एंड 10 जनवरी के आसपास आप इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।